पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि महाभारत एक काल्पनिक कथा है या फिर सच है। आज हम बात कर रहे हैं कि महाभारत क्यों हुआ था। महाभारत के कई कारण रहे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था शकुनि। जी हाँ, शकुनि ही था जो कौरवों को एक अलग ही दिशा में ले गया, और शकुनि ही वह आदमी था जिसके पार्श्वों में इतनी ताकत थी कि वह जो भी मांगता था वह पार्श्वों में आ जाता था, और इसी कारण पांडव विषाद में भी हारे थे और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। लेकिन शकुनि ऐसा करता क्यों था, उसकी मंशा क्या थी, आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वह इतना निष्ठुर और षड्यंत्रकारी हो गया था। हम महाभारत का युद्ध होने के बाद तो बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले की कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमें और आपको बहुत कम पता है। उनमें से एक प्रकरण ये भी है। हुआ कुछ यूँ था कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक बहू यानी उनकी पत्नी ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पता चला गांधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि गांधार जो राज्य था उसी से निकला गंधार जो अभी अफगानिस्तान में है। तो गांधार जो थे वह उस समय अफगानिस्तान यानी गंधर्व के नरेश थे। तो भीष्म पितामह उस समय पहुंचे गंधार नरेश के पास और कहा कि मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधार नरेश इस प्रस्ताव को मना नहीं कर पाए क्योंकि यह राज्य बहुत छोटा था। और धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद भीष्म पितामह को ऐसी बात पता चली जिसके सुनने के बाद उनको लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो बात यह थी कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, और गांधारी की शादी पहले किसी बकरे से कराई गई और उसकी बलि दे दी गई। उसके बाद धृतराष्ट्र से ही उनका विवाह कर दिया गया। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मांगलिक दोष बहुत बड़ा दोष होता है, इससे पति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए मांगलिक के लिए मांगलिक वर ही चाहिए होता है। ऐसा न होने पर विवाह से पहले कभी पेड़ से, कभी नारियल से, कभी बकरे से शादी करा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है ताकि वह विपदा जो है वह टल जाए। तो उन्होंने भी यही किया था। तब भीष्म पितामह को यह बात पता चली तो उन्हें लगा उनके साथ छल हुआ है, उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे गई। गुस्से में आग बबूला हुए भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा। तो उन्होंने उसमें लिखा कि आपके कुल या फैमिली में जितने भी लोग हैं उन्हें मैं अपने वहाँ भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, तो आप हस्तिनापुर आइए, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना नहीं कर सकते थे, लड़के वाले की तरफ से न्योता जो था और वह भी भीष्म पितामह ने बुलाया था। निमंत्रण को स्वीकार कर सभी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें एक सेल यानी कि कोठरी के अंदर डाल दिया गया। उस समय की प्रथा यह होती थी कि जिसने आपको भोजन परोसा है वह जो भोजन परोसे, जिस क्वांटिटी में परोसे, आपको उसी में खाना होता था। आप चूज नहीं कर सकते थे कि कितना खाएं और क्या खाएं। भीष्म पितामह ने कहा कि उन्हें बस एक मुट्ठी चावल ही दिए जाए, लेकिन वो एक मुट्ठी भोजन सभी को लगभग एक दाने के बराबर पहुंच रहा था। देखते ही देखते भोजन की कमी के कारण लोग मरने लगे। तो उसमें गांधार नरेश और उनका एक पुत्र भी था शकुनि। जब एक एक कर सब मर रहे थे तो गांधार और लोगों ने निर्णय लिया। उन्होंने सोचा मरना तो है, लेकिन इससे हम सारे मर जाएंगे और वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कुल के वंश शकुनि को अपना पूरा भोजन देने की बात सोची। वह एक मुट्ठी चावल शकुनि को खाने देने लगे और सभी मारे गए। शकुनि रोज एक मुट्ठी चावल खाता और हर दिन अपने प्रियजन को मरता देख रहा था। उस वक्त भीष्म पितामह एक युद्ध लड़ने चले गए और जितने भी गांधार नरेश और लोग थे वह अंदर ही रह गए। उसमें सभी समाप्त हो गए, किंतु गांधार नरेश और शकुनि जिंदा थे। गांधार नरेश बहुत बुजुर्ग और कमजोर हो गए थे और उन्होंने अपने बेटे शकुनि को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। शकुनि पिता के पास आए तो गांधार नरेश ने पूरी बची ताकत लगाकर शकुनि के पांव पर लात मारी, जिससे शकुनि का घुटना टूट गया, और इसीलिए आपको शकुनि लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए दिखाई देते हैं। शकुनि दर्द में कर रहा कर बोले कि आपने ये क्या किया, मैं आपका बेटा हूँ
तब गांधार नरेश ने अपने पुत्र शकुनी से कहा कि अगर तुम यहाँ से निकले तो तुम कुछ दिनों में ही यह सब भूल जाओगे कि किस तरह तड़प तड़प के तुम्हारे परिवार ने जान दी है। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ा ताकि हर कदम पर तुम्हें यह याद रहे कि जो यहाँ हुआ है उन सबका बदला लेने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। वह एक मुट्ठी चावल हमने तुम्हें इसीलिए दिया कि यहाँ से निकलने के बाद तुम गांधार का बदला ले सको। मैंने तुम्हें अपाहिज तो बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डी से एक पासा बनाना, और जो अंक तुम चाहोगे पासा वही अंक तुम्हें लाके देगा। और शकुनी ने यही किया, अपने पिता की हड्डियों का पासा बनाया। उसके पास दो पासे थे जिसके कारण पूरी बिसात बिछ गई, और शतरंज के खेल में पांडवों के साथ वही पासे का यूज किया गया था। पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक द्रौपदी भी। महाभारत का युद्ध करवाना, शकुनी द्वारा दुर्योधन को बरगलाना, यह सब शकुनी इसलिए करता था क्योंकि वह हस्तिनापुर और कुरुवंश से बहुत ज्यादा नफरत करता था, और यह प्रण ले चुका था कि मैं पूरा कुरुवंश ही बर्बाद कर दूंगा। इस सब के साथ शकुनी को गुस्सा भी था कि उसकी बहन की शादी ऐसे इंसान से की गई जो एक अंधा था, और इसी की वजह से महाभारत हुआ। और इसलिए कहा भी गया है विनर राइट हिस्ट्री, यानी अगर पांडव की जगह कौरव जीते होते तो श्री कृष्ण की जगह शकुनी की गाथा सुनते। महाभारत के युद्ध के अंत तक शकुनी आखिरी क्षणों तक जीवित रहा। हर बार वह युद्ध में चकमा देकर निकल जाता था। उन्होंने भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर मरते देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु, दुशासन के हाथ पैर कुर्ता से काटे गए, और कौरवों का विनाश उनकी आंखों के सामने ही हुआ। और शकुनी मन ही मन संतुष्ट था कि उसने पिता को दिया वचन पूरा कर लिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के लिए मैदान में ललकारा। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे और बहुत ज्ञानी थे, वह मन पढ़ना जानते थे। सहदेव जानते थे कि शकुनी ने ही पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध कराया है और कौरवों को बरगलाया है। सहदेव ने शकुनी को समझाया कि जंग छोड़ दें, क्योंकि शकुनी ने जो चाहा वह कर लिया था और उन्हें अब गांधार जाकर राज्य करना चाहिए। लेकिन शकुनी को पछतावा हुआ और वह सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी छोटे बच्चे को अपने जीवन की कहानी बता रहा हो। उसने बताया अपने बचपन की यातना को, अपने बहन के विवाह एक अंधे से होना, भीम को जहर देना, लाशाग्रह का षड्यंत्र रचना, और न जाने कितने अपराध जो शकुनी ने किए थे उसने सब सहदेव को बता दिए। उसने कहा अब वो और नहीं जी सकता, अब उसमें बोझ को सहन करने की क्षमता नहीं रही है। तब शकुनी ने सहदेव पर बाण चलाने शुरू कर दिए। शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है। आखिरकार शकुनी का सर सहदेव ने काटकर उसका अंत कर दिया। शकुनी ने अपने पिता को दिया वादा पूरा किया, और ऐसा माना जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसने अकारण यह नहीं किया था। उसके कुल का नाश उसके सामने हुआ था, और ऐसे हुआ था महाभारत के युद्ध की शुरुआत। अगर आप भी ऐसे अनदेखी अनसुनी फैक्ट कहानियां जानना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा किरण संजीवनी को। लेकिन उससे पहले खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं कुछ खास लेकर। धन्यवाद।